जय जय माँ साथियों, आप सबको एक नया फ्रेश ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। और अभी मैं स्टेशन से आकर रूम पहुंच चुका हूं और आगे क्या होता है आप ये ब्लॉग में देखेंगे, जुड़े रहिए मेरे से। अब होटल रूम आकर पहुंच चुके, अभी सुबह का 9:30 बज चुका है, तो ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद नहा कर खाने चलते हैं। ये जो है वो ये बोल नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते, यहाँ ये स्वीपिंग के काम करते, बहुत अच्छे इंसान है, ये देख सकते हैं, खुश मिजाज लोग है ये, है ना? कितना? घर को जाने के बाद, घर पहुंचने के बाद कितना दूर है? कितना दूर है घर? कितना कितना किसमें? बाइक में और बस में जाओगे? बस बस। अभी थोड़ा ड्रेस धो लेते हैं क्योंकि 4 दिन से धोया नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो फिर धो लेते हैं। अब थोड़ा सफाई कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, क्योंकि आगे भी टोटल भुवनेश्वर घूमना है, तो ये सब सफाई जरूरी है, सफाई कर लेते हैं उसके बाद। पैंट शर्ट सफाई हो चुकी है और अभी समय हुआ है, कितना समय हुआ है देखते हैं, 11 बजने वाला है और अब तक मैं नहीं नहाया हूँ, खाया भी नहीं हूँ सुबह से, तो जल्दी से नहा लेता हूँ कुछ खा। अभी मैं नहा चुका हूँ और नहाने के बाद अभी टाइम हुआ है, 11 बज चुका है, तो अभी मैं जा रहा हूँ खाने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था और कल रात में भी जो खाया था वो बहुत गंदा था, पैसा ले लिया लेकिन खाना अच्छा नहीं था, तो अभी थोड़ा मैं जाकर मार्केट में खा लिया, बहुत सारा चीज़ खाया, पेट भर कर खा लिया, उसके बाद मैं शाम को निकल पड़ा इस्कंडम। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ आईजी पार्क, उसके बाद हम जाएंगे इस्कंदन टेम्पल, तो जुड़े रहिए, वहाँ पहुँचने के बाद आप लोग को बताऊँगा वहाँ का विजुअल कैसा, क्योंकि मैं पहली बार वहाँ जा रहा हूँ। जो हॉकी विश्व कप होगा 2023 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ इसका बोर्ड लगा हुआ है, साथ में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक जी। अब आके पहुँच चुके हैं आईजी पार्क और देखते हैं आगे कैसा है, मैं तो दिखा नहीं पहले से, मेरा भुवनेश्वर में फर्स्ट टाइम है, तो देखते हैं आईजी पार्क कैसा है, लोग कह रहे हैं अच्छा है, आगे दिखाते हैं आप लोग को कैसा है क्या है। ये देख सकते हैं वो कलर चेंज हो रहा है, पार्क में बहुत अच्छा अच्छा फूल लगाया गया था, ये आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा लग रहा था।
आईजी पार्क के अंदर जिम के लिए इंस्ट्रूमेंट था, ये आगे देख सकते हैं आप लोग सब क्या क्या है। ये रहा देखिए, इन्हें एक्सरसाइज करता देख मेरे को भी इच्छा हुआ कि थोड़ा जिम कर लेते हैं, आगे आप लोग देखेंगे। मैं अकेले था तो वहाँ पे भैया थे जो जिम कर रहे थे, तो मैंने उन्हें बोला कि थोड़ा फ़ोन पकड़ने के लिए, वो भी फ़ोन मेरे पकड़े और मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया। ये थे वो भैया जिन्होंने मेरे फ़ोन पकड़े और मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब मैं आईजी पार्क घूम के आ चुका हूँ, उसके अंदर इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, फिर भी इंदिरा गांधी जी का स्टैचू था और पार्क बहुत अच्छा था और जो जिम के लिए जो इक्विपमेंट होता है वो सब अच्छा अच्छा चीज़ था। अब मैं जा रहा हूँ इस्कन मंदिर, उसने के बाद आप लोगों को बताऊँगा क्या है क्या नहीं। ये रहे हमारे कृष्णा जी और राधा जी, कितने प्यारे लग रहे हैं, आगे देख सकते। यहाँ पे भगवान जी के पास पूजा करने के लिए बहुत सारा भोग मिल रहा है, तो यहाँ से आप खरीद के प्रभु जी के पास भोग लगा सकते हैं। आने के बाद बाहर भगवान जी का प्रसाद मिल रहा था, तो हम एक प्रसाद लिए और बहुत स्वादिष्ट था वो प्रसाद। मंदिर से आने के बाद रास्ते में थोड़ा खाना खा लिए और उसके बाद फिर हम रूम की तरफ निकल पड़े, आगे आप लोगों को दिखाऊंगा रूम पहुंचकर। यहाँ मैं रहता हूँ, रूम आकर पहुंच चुका हूँ अभी और यहाँ रहता हूँ। ये देखिए क्या सुंदर है ये होटल, कितना चलो चलते हैं फिर रूम की तरफ। ये है रूम, बहुत बड़ा है मेरा रूम, अब देख के हंसी नहीं रुक पाएंगे। ये मेरा रूम है, इतना ही, और ये एक लॉकर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी भुवनेश्वर आते हैं एक बार जरूर इस्कन मंदिर आएं, इस्कन मंदिर जाएं और देख कर आए कैसा फील होता है, बहुत अच्छा फील होगा आप लोग को।
प्रभु बलराम जी और कृष्ण जी को पूजा जाता है, और वहाँ भी राधा कृष्ण जी हैं। बहुत अच्छा फील होगा, बहुत सुंदर है मंदिर, एक बार आके देखिए। और वहाँ का जो भोग मिलता है बहुत स्वादिष्ट, बहुत, क्योंकि वो भगवान जी का भोग तो स्वादिष्ट होगा ही। और भी भुवनेश्वर से भी है, इस्कॉन मंदिर जाइए और घूम के आइए। जो भी लोग भुवनेश्वर आते हैं किसी भी काम से, बाहर स्टेट से हो या बाहर सिटी से हो, तो एक बार इस्कॉन मंदिर ज़रूर घुमाएगा ये। वहाँ का जो शांति है आप लोग को फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। और इतना ही कहना चाहता हूँ, एक बार इस्कॉन मंदिर ज़रूर जाइए। लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कल हम जा रहे हैं नंदनकानन। तो आज के लिए इतना ही, बाय।